व्यूअर्स, देव टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। ये आप देख रहे हैं क्रोटन प्लांट है, ये काफ़ी वैरायटी में होते हैं ये, और ये इसे आप इंडोर लगा सकते हैं। इंडोर भी ऐसी जगह जहाँ पर मतलब ब्राइटनेस हो अच्छी, जो सूर्य की रोशनी जो है बिल्कुल इनडायरेक्ट आए। इसे डार्क प्लेस में नहीं रखना है और ना ही डिम लाइट में रखना है। अगर आप इसे ग्राउंड में भी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर सेमी शेड हो, आधे दिन की धूप आए, और नहीं तो किसी पेड़ के नीचे भी देखते होंगे ये प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। प्रिंसेस को बहुत रिच सॉइल पसंद है, रिच सॉइल इट्स मीन से फर्टिलाइजर बहुत पसंद है, तो जब भी इसके आप पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाएं तो 40% आप नॉर्मल सॉइल लें, 40% आप फर्टिलाइजर में काउडंक ले लें या फिर बर्मी कंपोस्ट ले लिए, या तो फिर आप लीफ कंपोस्ट जो सूखे पत्तियों की खाद होती है ना, तो वो आप ले लें, और 20% आप सैंड रिवर रेत जो है वो आप मिक्स करके इस प्लांट्स को ग्रो करें। बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा प्लांट ये। इस प्लांट्स को आप ओवर वाटरिंग ना करें, वैसे तो इसे पानी बहुत पसंद है, बट इसकी जो सॉइल हो मतलब सॉगी नहीं होना चाहिए, कि हमेशा कीचड़ सी गीली गीली सी, बिल्कुल हल्की सी नमी हो। जब आप उसे टच करें ना तो बिल्कुल जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरह से हल्की सी नमी बनी रहे, बस इतना ही बैलेंस करके आपको इसमें वाटरिंग करनी है। फ्रेंड्स, इसे एसिडिक सॉइल पसंद है तो आप इसमें जो चाय बनती है हमारे घर में उसकी चाय पत्ती को आप वॉश करके उसे ड्राई करके सुखा करके जब भी फर्टिलाइज़र आप दे, 20 दिन पर आपको फर्टिलाइज़र देना है, तो उसमें आप मिक्स करके भी इस प्लांट्स को दे, बहुत अच्छा लगता है इस प्लांट्स को। और घर में जो वाइट विनेगर होते हैं तो आप उसे भी एक स्पून वाटर में डिजॉल्व करके आप अपने प्लांट्स को दें, लेकिन विनेगर जो आप देंगे उसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देना है, बिल्कुल पानी में ही घोल करके, और बिल्कुल 1 महीने 1.5 महीने पर देना है उसे, 20 दिन पर इस तरह से नहीं देना है विनेगर को। फ्रेंड्स, इसके देखा होगा आपने कि जो ये प्लांट्स होती है कभी कभी अपने नीचे वाले जो लीव्स होती हैं वो गिराती जाती हैं, तो उसकी वजह होती है कि हमारी जो वेदर मौसम में जो परिवर्तन होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जब बहुत ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसकी वजह से भी ये प्लांट्स जो होते हैं अपने नीचे के जो लीव्स होते हैं वो गिरा देती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उस समय क्या करना चाहिए इस प्लांट्स को, जैसे स्प्रिंग सीजन बहुत पसंद है और ह्यूमिडिटी पसंद है इस प्लांट को, तो शुष्क हवा जब चल रही हो, बहुत हिटनेस हो, तो इसके पॉट के बगल में आप एक छोटे से बकेट में पानी भर के रख दीजिए। उससे क्या करते हैं ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना वो अपने ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता रहता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी कभी इस पे इंसेक्ट भी काफ़ी, जो ये देख रहे हैं आप पत्तियाँ हमारी इस तरह देखें, ये बिल्कुल खाई हुई है, तो ये एक कैटरपिलर भी होते हैं और एकदम जाली से बना देते हैं, स्पाइडर माइंड होते हैं, जो बिल्कुल एक छोटा छोटा सा सफ़ेद मकड़ी होता है, बिल्कुल छोटा सा, वो इस तरह का अटैक करता है। तो आप इस पर हमेशा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करते रहें, और नहीं तो हर 15 दिन पर 10 दिन पर जो 1 लीटर पानी में कोई शैम्पू, माइल्ड शैम्पू आप ले करके, बिल्कुल वो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट यूज नहीं करना है, माइल्ड शैम्पू या माइल्ड सॉप जो हो उसका लिक्विड लेकर के आप 1 लीटर पानी में मिला करके आप उससे इसको सावरिंग करें। प्लांट्स को वैसे ही सावरिंग भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत, लेकिन बहुत कोल्ड जो सीजन हो ना उसमें सावरिंग नहीं करना चाहिए प्लांट्स को, आप समर सीजन में अच्छे से सावरिंग करें, काफ़ी पसंद होता है इस प्लांट को। और हर 20-25 दिन पर इसके पॉट में हल्की सी गुड़ाई भी करते रहें, जिससे जो इसकी मिट्टी हो वो ढीली हो और बहुत अच्छे से इसके रूट्स जो हैं अच्छे से ब्रीथिंग मतलब ले करके काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप इसके जो लिप्स हैं इसमें अच्छे से मतलब ग्रीनिश बनी रहे, वैसे तो देखते हैं इस प्लांट्स में डबल कलर होते हैं, ये न्यू लिप्स निकले हैं तो इसलिए बहुत ग्रीनिश है, और इसके जो देख रहे हैं आप इस तरह से कलर्स भी होते रहते हैं। तो आप 2 महीने में इप्सम सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, इस प्लांट्स को थोड़ी सी मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है, तो आप 1 चम्मच
एक छोटा सा चम्मच से आप 1 लीटर पानी में आप उसको डिसॉल्व करके और से फिर इसको प्लांट्स को फॉलियर स्प्रे करें, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस प्लांट्स को। बिल्कुल डायरेक्ट इसके सॉइल में सम सॉल्ट नहीं देना है, इसके लिप से भी जो होती है ना पत्तियाँ वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आप फॉलियर स्प्रे से मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट भी दें। ओके फ्रेंड, इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप औरों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज मेरे जो वीडियो है अभी मैं नया बना रही हूँ तो अभी काफ़ी सारी जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप हमारे साथ इस तरह बने रहें। तो सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकॉन है, बटन है, उसको भी प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।